तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे नितिन की फिल्म रंग दे और हॉलीवुड की फिल्म गोडजिला वर्सेस कोंग के अब तक के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें रंग दे फिल्म के बारे में, तो रंग दे एक तेलुगु फिल्म है जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं नितिन रेड्डी और उनके साथ में है कृति सुरेश। फिल्म को रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर पूरे 5 दिन हो चुके हैं और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें रंग दे फिल्म के डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो रंग दे फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था 24 करोड़ 20 लाख रुपए का और 4 दिनों में इस फिल्म का जो शेयर कलेक्शन था वो आया था 13 करोड़ 85 लाख रुपए। वही दोस्तों इस फिल्म को 5वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी मिली है। जी हाँ दोस्तों, रंग दे फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में 11% की ऑक्यूपेंसी मिली, आफ्टरनून के शोज में 14% की और इवनिंग वाले शोज में 17% की। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक रंग दे फिल्म 5वें दिन ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर रही है लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ रंग दे फिल्म का शुरुआती 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है लगभग 27 करोड़ रुपए, वही शेयर कलेक्शन आ रहा है 15 करोड़ का। बता दे दोस्तों, रंग दे फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट होने के लिए शेयर कलेक्शन मिनिमम 25 करोड़ का करना है और फिल्म ने जहां 5 दिनों में ही 15 करोड़ का शेयर कलेक्शन कर लिया, यानी कि रंग दे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट हो सकती है। वही दोस्तों बात करें हॉलीवुड की फिल्म गोडजिला वर्सेस कोंग के बारे में। गोडजिला वर्सेस कोंग फिल्म को इंडिया में तमिल, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश 4 भाषाओं में रिलीज किया गया था। दोस्तों जहां एक तरफ कोरोना वायरस के केस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी गोडजिला वर्सेस कोंग फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया कमाई कर रही है। लेकिन दोस्तों गोडजिला वर्सेस फिल्म के जो कलेक्शन है वो ज्यादातर तमिल और तेलुगु से आ रहे हैं। फिल्म को नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी मार्केट में अभी भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बात की जाए गोडजिला वर्सेस कोंग के अब तक के टोटल इंडियन कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों गोडजिला वर्सेस कोंग फिल्म ने शुरुआती 5 दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 28 करोड़ 96 लाख रुपए, वही 6वें दिन फिल्म का कलेक्शन आया 3 करोड़ 94 लाख रुपए का। इसी के साथ गोडजिला वर्सेस कोंग का शुरुआती 6 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 32 करोड़ 90 लाख रुपए, वही इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 37 करोड़ 60 लाख रुपए। अब बात की जाए इस फिल्म के 7वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों गोडजिला वर्सेस कोंग फिल्म को 7वें दिन इंग्लिश वर्जन में ऑक्यूपेंसी मिली 8% की, हिंदी वर्जन में 9% की, वही तमिल वर्जन में 15% की। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक गोडजिला वर्सेस कोंग फिल्म 7वें दिन ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर रही है लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए की रेंज में। इसी के साथ दोस्तों गोडजिला वर्सेस कोंग फिल्म का 7 दिनों में ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन लगभग 35 करोड़ 40 लाख रुपए की रेंज में हो जाएगा, वही ग्रॉस कलेक्शन 41 करोड़ रुपए। आपको बता दो दोस्तों गोडजिला वर्सेस कोंग फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए मिनिमम 20 करोड़ का नेट कलेक्शन करना था, लेकिन गोडजिला वर्सेस कोंग फिल्म सिर्फ 7 दिनों में ही 35 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन करके इंडिया में हो चुकी है सुपर हिट। हालांकि दोस्तों आपने रंग दे और गोडजिला वर्सेस कोंग दोनों ही फिल्में देखी, तो इसमें से आपको सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इन दोनों फिल्मों के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।